Assalamu alaikum, dear students. Today, in your subject of social studies, we are going to discuss our chapter number 23, our goals, rights and duties. Hamare kya rights hai, kya duties hai towards our country. क्या आपको पता है इंडिया सेलिब्रेट करता है इसका रिपब्लिक डे जनवरी 26 को? ऐसा क्यों? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, जनवरी 26, 1950 में जो इंडिया है इसका कॉन्स्टिट्यूशन बना था. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जिसके अंडर आप कुछ रूल्स या प्रिंसिपल्स लिखते हैं जिनके हिसाब से एक कंट्री को रूल किया जाता है, गवर्न किया जाता है. और उस दिन यहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी, यानी कि वैसी गवर्नमेंट बनी जिसके अकॉर्डिंग लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं. कैसे चूज करते हैं? वोट्स देते हैं. जब आप अपना रिप्रेजेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर चूज करते हैं तो कैसे किया जाता है? अब वो 18 इयर्स जो भी लोग होते हैं वो अपना वोट देते हैं और जिसको ज़्यादा वोट्स आते हैं वो हमारा चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनता है. अब हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है. जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा, कॉन्स्टिट्यूशन एक हिसाब की एक रूल बुक है, ठीक है, जिसमें रूल्स है जिनके हिसाब से गवर्नमेंट अपना काम करती है, ठीक है. इसमें आपके राइट्स भी लिखे हैं, आपके ड्यूटीज़ लिखे हैं. एक सिटीज़न जो है कंट्री का, उसकी क्या राइट्स और ड्यूटीज़ है टुवर्ड्स अ कंट्री. इंडिया आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, है ना. और उसके बाद ये जो ड्यूटी दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, इसको बनाया था एक एक जो कुछ मेम्बर्स बैठे थे इसको बनाने के लिए, जिन और उस असेंबली को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो हेड था उस टाइम पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और उन्होंने ही ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया. उनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है. उसके बाद पहले इन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया, यानी कि कुछ चीज़ें सजेस्ट की और उस ये चीज़ें डिस्कस हुई इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. फिर बहुत सारी चेंज भी आ गई इस जो भी उन्होंने लिखा था, कुछ चेंज आ गई, कुछ चेंज नहीं आई. फाइनली इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जिसके अकॉर्डिंग इंडिया को रूल किया जाता है. और वो कब फोर्स में आ गया, यानी कि कब बन गया, 26 जनवरी 1950, जिस दिन इंडिया रिपब्लिक डे मनाता है. इसीलिए उस दिन इंडिया ये दिन मनाता है.